अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी YouTube चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लास। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 कश्मीरी चैप्टर नंबर 14 यज़न नाउच फर्स्ट ये चाक लुक कत। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप क्लास 7 में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो पढ़ेंगे। और अगर इससे पहले के जो वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखे या वो लेसन्स आपने नहीं देखे, हर एक लेसन का क्वेश्चन आंसर, उर्दू के सारे लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर, साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी चीजें देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और आने वाले वक्त में अगर आप क्लास 7th या क्लास 8th की कश्मीरी जो है नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपडेट। इजोक्यूस टॉपिक अच्छा नाउ फर्स्ट, ये बेसिकली अगर हम बात करें ये प्राइम जमान या पुराने जमाने की अगर हम बात, तब हमारे पास आजकल की तरह YouTube या बाकी चीजें नहीं थी कि हम चीजों को सेव करके रख। पुराने जमाने में जो भी कहानियां जो भी किस्से हुआ करते थे जबान से जबान में ट्रांसफर। आख नफर उस करा एक निष्कात सुई उस पकनावा पद बेकिस सुई उस मनान पद पनन शुरन। तो लुक अच्छे इमी मुझे बात नाव कि ये लुकन हस अच्छन प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के हैं आसान। तो बाजे च आसान ये तिस मीनिंग मीनिंगलेस यानी के यूस अकल अकल छन माने ठीक। ऐसे काम इसमें बताए जाते हैं कि आपको कभी ऐसा भी नहीं लगेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, या ओवरऑल अगर हम लाइफ में बात करें तो आपको कभी नहीं दिखेगा कि ऐसा भी हो सकता। यथ मस्ट जानवर बोल आसान और जानवर बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी कहानी जो एक एक्चुअली में एक इमेजिनेशन हो और ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे अकल में बिल्कुल भी तो नहीं आती। बट इसका मकसद क्या, इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इससे कोई ना कोई सीख हासिल ठीक है और इसको पॉजिटिव में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैप्टर का नाम फर्स्ट चैप्टर नंबर 14 फैसला जिसे हम कहते हैं। जब हमें किसी भी बात पे आपस में कोई इश्यूज हो जाए तो हम दूसरे लोगों को बुलाते हैं और एक फैसला करते हैं और प्रॉपर एक एग्रीमेंट जो होता है उस पे मुत्तफिक होके हम अपना आगे वाला जो है वो सारी चीजें करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि मुश्किल अल्फाज अर्जिस गो सनफर यूज बिचोर जो आजिज हो ठीक है, यानी कि जो किसी मुसीबत में फंसा हुआ हो तो उसे हम आजिज कह सकते हैं। आर गो जब हमें किसी की दया आ सकती है, किसी पे दया आने को आर कहते हैं। फर्स्टली गे तुम नफर यम फर्स्ट कहा लागर गो कमजोर ब्रजा गो वक्त या जिसे हम कहते हैं कमाई टाइम मुजवूट को बेअकल न्याय गो पानवीन फितन जार पार गोई कैंस मिन्नत समाजत करना हांकल गई यम सहित दरवाज वरवाज हैकान बंद कर बादशाह हम कैसा गो म्यून बादशाह यानी कि मेरे बादशाह। चलिए अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट इसका कश्मीरी का थोड़ा सा अलग है बाकी रीडिंग से। आप देखोगे थोड़ा सा ये जैसे आपको लगेगा कि हम आपस में बातें कर रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन है। शख्सा उस जंगल में पका एक आदमी था जो कि एक जंगल में से गुजर रहा था। एक इस जय बुचुन अक्सुह पिंजरस मस बंद और देखा एक शेर को जो कि एक पिंजरे में बंद था। शकस वो पिंजरस नक पहन सहन करो जर पर शोट मकलाब। तो जैसे ही ये इस पिंजरे के नजदीक पहुंचा तो शेर ने इसे क्या कहा कि भाई साहब किसी भी तरीके से मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। इंसान अनवरनस ब मतलब हत अमोपुज चिमा त्राव हम पत मैं तो आपको छुड़ाता, मैं तो आपको आजाद कर देता, लेकिन मसला ये है कि आप तो बाद में मुझे खा जाओगे। सु ओस अजिज गुमत वो क्या था, आजिज हो चुका था, कमजोर था, बंद था। दुपनस नाना हरगिज खिमत ना किसी भी तरीके में मैं कभी भी आपको नहीं खाऊंगा। इंसानस आओ आर पिंजरस पिंजर मसरोवन हांकल कोरन पिंजरस मसरोवन हांकल। इंसान को दया आती है इस शेर पे, वो जो पिंजरे की जो हांकल होती है जिससे वो बंद होता है पिंजरा उसे खोल देता है। तो कोरन सुह आजाद और सुह जो है शेर आजाद हो चुका होता है। अब सहन दिज दिन ना अब अपने आप को थोड़ा सा उसने जो है काड़ वाड़ निकाला और कहा क्या कहा वनस इंसानस मैं वैत दह दो फाके दुबनस यार मैं वैती दह दो फाके ठीक वो कई तरह है ना। तो आगे बढ़ते हैं चार क्या चमका सिखे नवरे तो क्या चारा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, मुझे तुम्हें जरूरी जो है वो खाना पड़ेगा।
इंसानन वोन्नस नसा मिसेत मश ते लफ़स इंसानन क्या वोन्नस कि हाँ लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ आपने लफ़स करी नहीं थी। अगर मैं आपको पिंजरे से आजाद करता तो आपने तो ऐसा कहा नहीं था, आपने तो पहले वादा किया था। पक्षारोन का फर्स्ट, तो चलिए तो हम बात करते हैं अपने इस फितने को सुलझाने के लिए हम किसी फैसला करने वाले को ढूंढते हैं, सुहन मोहन। और ये शेर ये बात जो है वो मान जाता है। दूर अस गाव घास खान, और इसी जंगल में दूर कहीं पे एक गाय जो है वो घास खा रही थी। गए इमस मिश, ये दोनों इसके पास चले जाते हैं। दोफास वंसा पादशाह जबायते इंसान क्यों, इससे क्या कहा कि क्या सारी कहानी सुनाई और उसके बाद कहा कि अब क्या इंसान को खाना चाहिए, शेर तो जंगल का बादशाह होता है। गाव चाई बीम से थर, ये जो गाव थी इसको बीम से डर की वजह से थर हो गई, नट नट गया। दोपनक सह बादशाह शुभ अश करत इंसान क्यों, ठीक छ क्या कहा कि हाँ भाई किसी भी तरीके से निपटाओ बस ठीक है खा लो। इंसान च एहसान याद थावन, ठीक इंसान छन एहसान याद थावन कि ये मेरे कोई भी एहसान जो है गाय कह रही कि नहीं याद रखता है। गाव ये बुढ़त लागर च गचान इंसान च दक दुल देवान, ठीक छ। और उसने क्या कहा गाय ने कि जब भी मैं कमजोर हो जाती हूँ, जब भी मैं लागर हो जाती हूँ तो इंसान जो है वो क्या काम करता है, वो दक और दल देता है, यानी मुझे घर से निकाल देता है। दूध निकालने के बाद जब मैं कमजोर हो जाती हूँ मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। फर्स्ट बोझत वो इंसान सहस बकित माने गाव हुन गाय हुन तो गसन बे फैसलासन, तो उसने क्या कहा कि भाई साहब बकित माने गाव चके और ये भी मेरे खिलाफ ही होगी, बना सा माने ने एमसुन ये फैसला किहन एहसान और बे का। सुहन दोपस अदसा केह परवाय छुन नखे ओस मोट द्यूदारा वनक एमसी पनन न्याय, तो अब जब आगे चले ए तो उस द्यूदार कुला तो वनक एमसी पनन न्याय की यह था जिस पानन न्याय एम वनक सहस वायत इंसान क्यों, द्यूदार ते को इंसान इस खिलाफ ही क्या वनस। इंसान च जोइलम कहा कि इंसान जो है बहुत जालिम होता है, जब ये द्यूदार के पास पहुंच जाते हैं तो अब ये फैसला जब गाय का इन्होंने नहीं माना तो अब फैसला द्यूदार पे है। द्यूदार ने कहा कि इंसान बहुत जालिम है, ये जो कुलन प्रथवरी ये लंग लंज थलित नवान, तो यहां से कुलन नवान लंग लंज थलित गो चढ़त नवान, ठीक। तो पच्छक पच्छुक मकस है पता ही रोजाना, उसके बाद कलहाड़ी लेके छोटे छोटे टुकड़े कर देते और पीछे ही रहता है। ये बुजत प्रुस्त सहन, और ये सुनते हुए जो शेर था उसने कहा इंसान क्या छुपाना, तो कोई मीस हुई वन से वो क्या छुपा, ठीक है। यानी कि दूसरा भी जो है मेरे स्पोर्ट में, अब मुझे मिच साख बोझ लेजमस, अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम ज्यादा नखरे करने बंद करो, बख्या मत अब मैं आपको खा जाऊंगा। इंसान वनरस गोड छारोन त्रियम फोसे, तो बने न सहे त्रिगसन आसन सल करता है ना। अपर पोक्षाला, अब वहां से एक शाल जो है वो गुजरता हुआ इनको नजर आता है। गीदर सुहन वनस पन न्याय, अब ये शेर में इसे अपना जो है फैसला जो है वो बताया, अपना जो न्याय है इस पान में नमन चलान ओस ये तो वनस न्याय गुजत को शालन दम शालस गे शालन को छुप, यानी कि जैसे इन दोनों की कहानी ये जो है सुनी तो ये चुपचाप करके बैठ गया, चुप हो गया, इसने कोई आवाज नहीं। सुहन वनस वनान कुन चुप के दम कैस गोवी, सहस वापस हे भाई मैंने वनन कैस छू न कहा कैस गोई दम शालन कुर अरस जनाब मिछन पछे यवान सैनिस बादशाह थाया कहा पिंजरस मज बंद शाला उस चाला तुम क्या वनस, दोपन मिछन एम कैथ हूं यकीन गसन की, या मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि हमारे इस बड़े ताकतवर बादशाह को कोई कैसे एक पिंजरे में बंद कर सकता है। सुहन दोपस यशुपोज शोट उस दहन दोहन पिंजरस में बंद, अब जो शेर था उसने कहा कि हाँ भाई ये सच है मैं 10 दिन इस पिंजरे में बंद था। शालन दो तुह पे क्यों मिसेत युत बाने सुख पिंजर वचन, शाल ने अब क्या कहा कि नहीं आप मेरे साथ चलो मुझे खुद ये पिंजरा जरूरी जो है वो देखना है। सहन ते इंसान वातनो शाल पिंजरस में, अब ये दोनों साथ में लेके गीदड़ को अपने पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। शालन दो ये तस लगते पिंजरस में हिकन युता बुढ़ सुह
बादशाह ठीक छा वोदित तो। उसने कहा कि नहीं भाई साहब ये तो गलत बात है, इतने छोटे से पिंजरे में इतना बड़ा शेर जो है वो कैसे समा सकता है। मिच बासन ये कैस्ट ऑफिस तो दोपनस मुझे लगता है कि ये सारा जो है झूठ का मामला है। सुहन वनस हतो यार वनान क्यों छुक, क्या कहा क्यों छुक वनान है बहा वार कर इतमज ओसुस और कहा कि मैं तो इसी में था। शालन वनस जनाब तुह तो अथ पिंजरस मज तो हर तो कित कन ऐसी तुह अथ बिहत अति बिहत। तो अब शाल ने इसको बहुत फुसला फुसला के कहा कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करता, एक बार घुस के हमें दिखाओ कि आप किस तरह से यहां बैठे हुए थे। अध हेक बो फैसला करे तो वनस अध हेक बो फैसला करे अगर आप एक बार इसमें घुस के मुझे बताते हो। सुह चाव पिंजरस मस्त ब्यूट सुह जो है वो पिंजरे में घुस जाता और बैठ जाता। शालन वनस बादशाह यानी मैंने बादशाह मे गस मुफी मे दिजम मुफी ठीक छ मुझे माफ करो तुहद फोर माउन फरमाउन हश पोज तुह कुन चल व्यू एम पिंजरस मज पान है। तो अब इसने कहा कि आप मतलब मुझे क्या बता रहे हो कि पिंजरे में इंसान ने मुझे छुड़ाया चे हकक न पान है ये पिंजरे क्या करत यालत रहे ठीक या पाने है कब मत चलित आप खुद भी तो इस पिंजरे में से भाग सकते थे। सुहन वनस अहन तो अहनो ते अत अस न दरवाजस नेबर हाँ कर देत क्या वनस ये तो मैंने चुका दिए कर अत अस न हाँ कर देत नेबर के तो उसी हांकल की वजह से तो मैं बंद था। अब आगे बढ़ते हैं शालन वन इंसानस तलसा पिंजर कर बंद दिस हांकल क्या वनस जरा आप पिंजरे को बंद करो और ऊपर से हांकल दे दो। ये वुछा बो वुछा जे बादशाह बादशाह कितकन ओस बंद गुमत ताकि मैं देख पाऊं कि बादशाह कैसे बंद हुआ था। इंसानन कर पिंजरस बरस ने ब्रेकन हार कर इंसान ने बाहर से फिर से लॉक कर दिया। ब्रंजा गैसे थोड़ा बहुत वक्त गुजरित वनक सुहन अच्छा मुसरवी वन हार कर तो शोट ने रहा नेबर क्या वनस क्या आप तो अब खुलाओ अब हमें निकलता है बाहर। शारन वनस हता यार क्या बोला कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया मैं थोड़ा ही आपको बाहर निकालूंगा। कद कुरमत दुश्मन छा यल यमांतरायम और जो भी जिस दुश्मन को कैद किया जाए उसे कभी छोड़ा नहीं जाता। इंसानन वोनस इंसानन इंसानस वोनन नेर मुजवंटा यानी कि जैसा चुक बेकल नेर मुजवंटा इस बलाई छा यल त्रावन कि इस तरह की मुसीबत को खुला छोड़ा जाता है। अकले गए स्कर्म है और अपने दिमाग से हमेशा काम लेना चाहिए। सुहन करो हजार पार मगर हम द्राए पानस पानस। अब ये शेर ने वापस बहुत शानदार तरीके से इनका जो है जार पार किया था इनसे बहुत मिन्नत आजी की लेकिन किसी ने जो है इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। अजिज सब वो तांग आमुत आर गए रहम तहम दर्दी फैसली गई फैसल करने वे लागर को कमजोर कमजोर मजबूत को बेकल तो बादशाह हमको मैंने बादशाह। तो यहाँ पे होता है हमारा वीडियो मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको मजा आया होगा और ये जो लुकत थी उसको सुन के आपको बड़ा इंटरेस्ट आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।